हाय दोस्तों, अगर आप 2022 में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आप टर्की आ रहे हैं, इस्तानबुल या टर्की घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि एक हैश कोड जनरेट करना होता है। सो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हैश कोड क्या होता है, किस तरह से इसको जनरेट करते हैं और कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। सो आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में, और वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं कि हैश कोड क्या होता है। दोस्तों, टर्की आने से 72 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले, आपको यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री से एक अप्रूवल लेना होता है बिकॉज ऑफ द कोविड। सो कोविड टाइम में क्या होता है कि आपको एक सिंपल सा एक फॉर्म है, बहुत ही बेसिक, 72 आवर्स पहले आप लोगों को उस फॉर्म में जाके इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ये प्लेन में सीट के आगे जो आपका टीवी होता है, वहाँ पर मूवी चल रही है। सो घबराना मत इसको देख के यार। सो हेल्थ मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, और ये देखिए इस तरह की वेबसाइट दिखती है, और ये इस तरह का एक हैश कोड, एक अप्रूवल मिलती है जिसको बोलते हैं टर्की में हैश कोड। इस तरह का एक हाथों हाथ आपको ये अप्रूवल मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। सो ये वेबसाइट का मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे, वो आपका नाम, पासपोर्ट, कब एंट्री, कब एग्जिट, ये करके जो कोविड ओविड की इन्फॉर्मेशन लेके आपको हाथों हाथ एक हैश कोड जनरेट हो जाएगा। ये हैश कोड जहाँ तक मुझे ठीक तरह से याद है, शायद दिल्ली एयरपोर्ट पे भी आप लोग उसे मांगेंगे, उसके बाद में इस्तानबुल एयरपोर्ट पे आप लोग उसे चेक करेंगे, और जब आप इस्तानबुल आ जाएंगे, टर्की आ जाएंगे, तो वहाँ पर जब इस्तानबुल कार्ड होता है, जो मेट्रो का कार्ड होता है या बस का कार्ड होता है, वो कार्ड अगर आप लेते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होगा बिना हैश कोड के। और अगर आप किसी मॉल में जाते हैं और कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको वो हैश कोड से ही एंट्री करने देते हैं, बिना उस हैश कोड के आप वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो शायद बिना हैश कोड से आप लोगों को इमिग्रेशन भी क्लियर नहीं होगा। सो ये ज़रूरी है, बेसिक सा है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन भरनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ये इस तरह का होता है, यहाँ पर जो आपको जो बार कोड मिलता है, जो आप इनकी हेल्थ वेबसाइट पे करते हैं, ऐसे करके उस बार कोड को यहाँ शो करते हैं, और फिर ये स्कैन करके और यहाँ से ऐसे अप्रूव करता है।